गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग डिस्कस एक्सरसाइज 7.5 एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड। आपको डिवाइड करना है दिए गए एक्सप्रेशन को। पहला एक्सप्रेशन है आपका 7x² + 14x को डिवाइड करना है x + 2 से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हियर 7x² + 14x से डिवाइड करना है आपको x + 2 से। सिंपली आप पहले डिवीजन के फॉर्म में इसको लिख लो, 7x² + 14x डिवाइड करना है अपॉन कर लेंगे x + 2 से। उसके बाद आप देखो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल टर्म्स हैं। आप प्रयास करो इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन लेने के लिए। अगर कॉमन होता है तो आपसे कॉमन निकालो। आप देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ 14 है, हम 14 को 7 × 2 लिख सकते हैं, मीन 7 इसके पास भी है। तो 7 हम दोनों एक्सप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं दोनों टर्म में से। यहाँ से मैंने 7 कॉमन कर लिया, इसके पास 2x था, इसके पास सिंगल x था, मैंने एक सिंगल x भी कॉमन कर लिया। यहाँ पर चूंकि 2x था, एक सिंगल x कॉमन किया तो एक सिंगल x यहाँ बचेगा, 7 पर निकल चुका है। प्लस अगर यहाँ से 7 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 बचा हुआ है और नीचे x + 2 है आपका। आप देखो ऊपर भी x + 2, नीचे भी x + 2 है, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 7x। सो योर आंसर इज 7x। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10a + 35 डिवाइड करना है आपको 2a - 7 से। वही काम, पहले आप थोड़ा डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे 10a - 35 / 2a - 7। उसके बाद आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे। आप देखो इस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हो 5 × 2 और इसको सकते हो 5 × 7, मीन्स 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है। आप 5 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। इसके पास चूंकि a है, यहाँ पे a नहीं है, इसलिए हम a कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो जो टर्म बचेगा उसे हम ब्रैकेट अंदर लिखेंगे। मैंने यहाँ से 5 कॉमन किया है तो ये 2 यहाँ बचा हुआ है। फाइनली ये 2 और a बचा तो 2a बचा हुआ है, माइनस मैंने ये 5 बाहर निकाल दिया तो ये 7 यहाँ बचा हुआ है, तो 2a - 7। नीचे आपको ऑलरेडी 2a - 7 दिया हुआ है, तो 2a - 7 यह है। आप देखो ये टोटल टर्म कैंसिल आउट होंगे, फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 5। नाउ स्टूडेंट्स योर सेकंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस बार पहले आपको एक्सप्रेशन को दिए गए समय पहले फैक्टराइज करना होगा एंड डिवाइड दें, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। मैंने बताया था फैक्टराइज करने का मीन्स इसको हम पहले लिस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे और लिस्ट फॉर्म ब्रेक करने के बाद इसको हम फिर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप देखो इसको पहले डिवाइड फॉर्म लिखते हैं 3 7x² + 105x / 21x + 5। आप देखो यहाँ पे 3, यहाँ से आप 7 कॉमन कर सकते हो, एक एक्स दो एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, आप एक एक्स भी निकाल सकते हो। आपका फाइनली जो यहाँ बचने वाला है वो एक्स प्लस, अगर आपने यहाँ से 7 कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा कितना, 15 / 21x + 5। 7 × 3 = 21, तो 21x + 15 / x + 5। यहाँ से 21 आपका कैसे आउट होगा, फाइनली आपका आंसर आएगा x + 15 / x + 5 और एक यहाँ पे x भी है। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। इस बार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a² - 2ab + b² - c² डिवाइड करना है a - b - c से। आप सबसे पहले इसको क्या करो, देखो a² - 2ab + b², इसको आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है a - b² होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी -c² यहाँ लिखा हुआ है। आपको डिवाइड करना है a - b - c से। फाइनली आप एक फॉर्म जानते हो a² - b², ये होता है a + b and a - c। अगर ये फॉर्मूले का यूज आप यहाँ पे करते हो तो a - b² होल स्क्वायर - c², इसको आप लिख सकते हो फाइनली a + b, तो a - b + c, अगले ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a - b और a + b है, और ये हो जाएगा कितना a - b + c। आपकी डिवाइड करना है आपको a - b - c से। डिवाइड के फॉर्म में इसको लिखेंगे हम a - b + c and a - b - c / a - b - c। आप देखो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, फाइनली आपका आंसर a - b + c। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। 3 × x^4 - 256 डिवाइड करना है आपको x² + 16 से। आप देखो इसको डिवाइड फॉर्म लिखो x^4 - 256 / x² + 16। इसे लिख सकते हो x² का होल स्क्वायर - ये है 16 का स्क्वायर / x² + 16। फाइनली 3 × a² - b² यहाँ भी लगाएंगे आप a + b a - b, ये हो जाएगा x² - 16 and x² + 16 a - b a + b / x² + 16। ये पूरा टर्म वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपको आंसर मिलने वाला है 3 × x² - 16। इसको आप और फैक्टराइज फॉर्म ले सकते हो 3 × x - 4 and x + 4। नाउ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इज डिवाइड। आपको डिवाइड करना है x² + 4s - 21 / x - 3 से। आप देखो ये ट्राइनोमियल केस बन रहा है, यहाँ बाइनोमियल केस है। ऐसे केस में आप क्या करना चाहिए, सिंपली आप डिवाइड करो, डिवाइड के फॉर्म को ब्रेक करके x² + 4x - 21। आप देखो
यहाँ पे आप कोई नंबर ऐसा लोगे x के फॉर्म में कि आप उसको मल्टीप्लाई करो जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए। आप x में x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू एक्स करोगे तो थ्री एक्स, इसको माइनस करना ये आउट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फाइनली ये नंबर एंड हो गए तो फोर प्लस थ्री सेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन। अब ये जो जो टर्म है इसके सामने जो जो भी साइन है वो साइन आप यहाँ ले जाओ, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी आपका प्लस जाएगा। x में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें सेवन एक्स मिल जाए तो फाइनली हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन इंटू सेवन एक्स मिलेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन, आप इसको माइनस करोगे तो ये टर्म पूरा कैंसिल होगा और आपको आंसर मिलेगा x प्लस सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन एम माइनस फोर्टी सिक्स, आपको डिवाइड करना है एम माइनस टू से, फिर वही काम आप एम माइनस टू यहाँ लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से और एम स्क्वायर माइनस प्लस ट्वेंटी वन एम माइनस फोर्टी सिक्स। अब आप यहाँ कोई नंबर ऐसा देंगे जिसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एम स्क्वायर मिल जाए, कितना लोगे आप फाइनली आप एम लोगे क्योंकि एम इंटू एम एम स्क्वायर होता है, ये एम इंटू एम एम स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस एम इंटू टू करोगे तो टू एम, माइनस करोगे ये टर्म कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये नंबर ऐड होगा ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री एम माइनस फोर्टी सिक्स। अब आप यहाँ पे कितना ले जाओ कि आपको ट्वेंटी थ्री एम मिल जाए तो फाइनली आप ले जाओ कितना ट्वेंटी थ्री, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो आपका प्लस जाएगा, ये ट्वेंटी थ्री, ये ट्वेंटी थ्री एम प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी थ्री फोर टू जाए फोर्टी सिक्स, आप नंबर माइनस करोगे देखो ये नंबर फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर एम प्लस ट्वेंटी थ्री। नौ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन एक्स प्लस थर्टी फाइव, डिवाइड करना है आपको टू एक्स माइनस सेवन से, फाइनली आप इसको पहले इस फॉर्म में लिखो टू एक्स माइनस सेवन, डिवाइड करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन एक्स प्लस थर्टी फाइव। आप देखो टू एक्स में कितने से मल्टीप्लाई कर देगा आपको सिक्स एक्स स्क्वायर मिल जाए तो फाइनली आप थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिक्स एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सेवन थ्री ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन एक्स, ये नंबर माइनस करोगे तो ये नंबर कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इस नंबर को जब आप प्लस करोगे तो फाइनली माइनस टेन एक्स आएगा आपका और प्लस थर्टी फाइव, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में नेगेटिव साइन है यहाँ भी नेगेटिव जाने वाला है। अब हम टू एक्स में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको टेन एक्स मिल जाए तो फाइनली हम फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव टू जेड टेन एक्स प्लस माइनस 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 प्लस एंड सेवन फाइव थर्टी फाइव, इस नंबर को माइनस करना है, जब आप माइनस करोगे तो पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आपका आएगा और आपका आंसर थ्री एक्स माइनस फाइव। नौ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, आपको डिवाइड करना है टू एक्स प्लस वन से, आप उसको डिवाइड फॉर्म लिखो टू एक्स प्लस वन, डिवाइड करना है आपको टू एक्स स्क्वायर प्लस एलेवन एक्स प्लस फाइव। आप फाइनली आप कितना नंबर ले जाओगे जिससे कि आपको टू एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आपको यहाँ पे एक्स ले जाना है क्योंकि टू एक्स इंटू एक्स करोगे तो आपको टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस आता है एक्स बन जाए एक्स, आप उसको माइनस करोगे टर्म कैंसिल होगा, टेन में एलेवन से बन जाएगा तो टेन एक्स प्लस फाइव। अब टू एक्स में कितने मल्टीप्लाई कर देगा टेन एक्स मिल जाए तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस जाएगा, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स मिल जाएगा, टेन एक्स और फाइव बन जाए फाइव, आपको ये नंबर माइनस करना है, आपको माइनस करोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो और आपका आंसर आएगा एक्स प्लस फाइव। ओके थैंक यू।